अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी खूबसूरत से ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप दोस्तों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं तहसील हासिलपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चौधरी खलील अहमद बाजवा साहब इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। आपका जो हलका है PP 248 है। आज हम हासिलपुर की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, खसूसी गुफ्तगू करेंगे और हासिलपुर को ज़िला बनवाने के लिए आपका कितना किरदार है और आपने कितनी दफ़ा इलेक्शन लड़ चुका है और आइंदा आप इलेक्शन लड़ेंगे, इस हवाले से हम आज चौधरी खलील अहमद बाजवा साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कीमती टाइम दिया। सर, आपने अपनी सियासत का आगाज़ कब से किया? मेरा तलक आम ग्राने नाल है, कोई मेरी सियासी बैकग्राउंड नहीं, ना कोई मैं एडा बड़ा सरमायादार हाँ, ठीक है जी, ना कोई मेरा मैनू किसी किस्म का कोई इवेंट नहीं आता। मैं वर्कर क्लास तो शुरू होया। मैं 87 कॉलेज का इलेक्शन लड़िया, अल्लाह ताला ने मैनू कामयाबी दी। उस तो बाद मैं 91 च एज ए कौंसलर अपने यूनियन कौंसल से इलेक्शन लड़िया, अल्लाह ताला ने मैनू कामयाबी दी। कौंसलर बनने तो बाद दोस्तों ने मेहरबानी की थी, मेरे इतमाद किया, मैंने अपने UC का चेयरमैन बना लिया। माशाल्लाह जबरदस्त, मैं चेयरमैन बन गया। उस तो बाद 98 के विच गालबन लेन विच बलदियाती इलेक्शन हुए, मैं डिस्ट्रिक्ट कौंसलर मेंबर बनया जी। साढ़े MLA कीर रहमान साहब, अल्लाह तला ने जन्नत जगह दे, अल्लाह तला उन्हें रहमत करे, उन्होंने मेरे से इतमाद का इजहार किया, मैंने डिस्ट्रिक्ट कौंसल का वाइस चेयरमैन बनवाया। जबरदस्त, 8 या 9 महीने बलदियाती इदारे चले। फिर उस तो बाद जोड़ा है मुशरफ साहब का दौर आ गया, बलदियाती इदारे खत्म हो गए। 2000 के मैं इलेक्शन लड़िया नाजम का, ठीक है, मौजूदा MPA साहब जोड़े ने अफसर गेल साहब, मैं अपना एक सिंगल वोट लैके उन्होंने UC आया। मैं दूसरी UC चो अल्लाह तला के फजलो करम नाल मैं उतों नादम बनया। 2003 वाला इलेक्शन मैं अपने छोटे भाई सेल बाजवा साहब लड़ाया, लेकिन साड़ी लग के अल्लाह तला की रजा नहीं सी, असी MPA ना मेरा भाई बन सकया। 2004 च फिर मैं उसे UC चो इलेक्शन लड़िया, मैं फिर अल्लाह तला के फजलो करम नाल कामयाब होया। 2018 इलेक्शन मैं लड़िया, बहुत सारिया रुकावट आई, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बेतहाशा मुहबत की, मैं 500-700 वोट लूज कर गया MP की सीट। उस तो बाद 2013 वाला इलेक्शन आया, मैं तारक चीमा साहब ने सपोर्ट किया, चौधरी रियाज साहब थले MP के कैंडीडेट से, पर मैं पूरी मेहनत करके चीमा साहब भी अच्छे वोट लै गए, चौधरी रियाज साहब नी अच्छे वोट दवाण कामयाब हो गए। 2018 इलेक्शन मैं इंडिपेंडेंट लड़िया, टिकट की ट्राई की, टिकट ना मिल सकी, मैं इलेक्शन लड़िया, अल्लाह तला की इन्नी रहमत हुई कि जिस बंद को टिकट से वह मेरा 7-8 हज़ार वोट 10 हज़ार वोट जाए से। जबरदस्त, 35 हज़ार वोट मैं लिया, उन्हें 30 हज़ार वोट लिया। मेरा चूंकि निशान बाल्टी से, मैं उत्ते बल्ले सपोर्ट करता सी, मेरा 5 हज़ार वोट जाया होया। मैं 40 हज़ार वोट MP की सीट पर मेरा तो मैं हासिल किया। उस तो बाद मेरी सियासत भी उस तरह चल रही है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना, मैं MPA नहीं बन सके, ये भी अल्लाह की रजा है, अल्लाह ताला की रजा तो बगैर कोई काम नहीं होता, ये शायद साड़ी बेहतरी होए। मैं टिकट नहीं मिला, मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, मैं इलेक्शन हार गया, मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। इंसानियत की खिदमत करना, अल्लाह की मखलूक ना प्यार करना मेरा शेवा है, और हर वो बंदा जिहड़ा इंतहाई इस तबके का कमज़ोर आदमी है, मैं वड्डियां लोगों नालों या अपने लैवल के लोगों नालों उस बंदे नाल बहुत प्यार करना, कि माड़े बंदे नाल प्यार करिए तो अल्लाह ताला की ज़ात राज़ी हुंदी है, तो कोशिश करी दी है जिहड़ा भी बंदा आंदा मैं इंशाल्लाह कोशिश करना कि उहदे वास्ते जो कुछ मैं कर सकदा खलूस नीयत नाल मैं करना। और मेरा एक तलख तजर्बा है कि जदों तुसीं किसे बंदे नाल खलूस नीयत नाल चलोगे तो अल्लाह की रहमत भी शामिल हाल होएगी और इंशाल्लाह ताला उस काम च आसानी पैदा होएगी। मेरा सियासत नाल बहुत दरीना मेरा वास्ता भी है, तजर्बा भी है मेरा, और मैं इन्नी मेहनत की है, इंशाल्लाह ताला मैनू फख्र है इस गल ते, और मैं इस गल का भी लोगों का शुक्रिया अदा करना कि 37-38 साल तो इस हल्के की आवाम मेरे ना प्यार करती है। मैं एक आम वर्कर आदमी हाँ, मेरा इन्ना हौसला ने लोगों ने वधाया, इन्नी मुहब्बत की है मेरे नाल कि इस इलेक्शन के मैनू पता लग गया कि मेरी
पहुँच की है, लोगों के दिलों से मैं कितना वस रहा, लोग मेरे ना कितना प्यार करते हैं, मैं खुश हाँ, मैं मुतमिन हाँ। एम पी एम एल ए बन जाना कोई क्राइटेरिया नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात अच्छा इंसान बना दे, अल्लाह ताला की ज़ात अपनी रहमत कर दे, अल्लाह ताला की ज़ात हदायत दे दे, तुहानू अच्छाई बुराई का फर्क महसूस हो जाए, तुहाडे च इंसानियत आ जाए। सब तो पहले सानू इंसान बनना चाहिए, बाकी चीज़ें जिहड़ियां इज़ाफी लवाज़मात ने अल्लाह ताला की ज़ात दे दे उहदा शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात ना दे फिर भी उहदा शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात दे के वापस ले ले फिर भी उस ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कहूँगा हर वक्त हर वेले हर पल उस ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए, असी उहदियां नेमतां का शुक्र ही अदा नहीं कर सकते। साड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने सानू इंसान पैदा किया, उस तो वड्डी साड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने सानू मुसलमानां दे घर पैदा किया, उस तो वड्डी साड़ी खुशकिस्मती है कि असी उस नबी दी उम्मती हाँ जिदा उम्मती होने का आधार पहले नबियां ने किया, कि अल्लाह पाक सानू नबी ना बना, सानू आखिरी नबी अपने का प्यारे का उम्मती बना दे। मैं लक्की आदमी हाँ, खुशकिस्मत बंदा कि आम वर्कर जहाँ बंदा हो के मैं लोगों के दिलों से राज किया, लोगों ने बेतहाशा मेरे ना मुहब्बत की है। मैं हुण इत्थे बैठा जिथे चौरी आशिक साहब ने, चौरी आशिक खालद मॉडर्न वाले, उन्होंने मेरे से बेबहा शफकत की है, मेरे ना प्यार भी करते हैं, मेरे ना मुहब्बत भी करते हैं, मैनू बहुत ज़्यादा हर लाद में सपोर्ट भी करते हैं। मैं उन्होंने वास्ते दुआ गाँव कि अल्लाह ताला उन्होंने तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे, अल्लाह ताला उन्होंने सेहत अनायत फरमाए। अच्छा खलील साहब, इंदा बलदियाती इलेक्शन का की प्लान है, तुसी कोई तैयारी करते पे हो इस हवाले नाल? बिल्कुल मेरी तैयारी है बलदियाती इलेक्शन की, इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी अल्लाह ताला की ज़ात ने जिंदगी दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, मैं इंशाअल्लाह बलदियाती इलेक्शन च और आशिक खालद मॉडर्न वाले जिहड़े ने उन्हां दी सरप्रस्ती च इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन लड़ांगा। और उन्होंने मैंने कहा भी है, उन्होंने मैंने फ्री हैंड भी दिता, मेरा तो मेरे नाल उतावन भी करते हैं, मैंने वो आखते हैं कि इलेक्शन की तैयारी करो, इंशाअल्लाह इलेक्शन से लड़ना। अगर हासिलपुर जिले के वाले गल करिए तो तुहाड़ी की स्ट्रगल है, स्ट्रगल करते पे हो जिला बनाने वास्ते? साड़ी बदकिस्मती ये वे कि साढ़े हल्के मुसलसल लोग सात सात अठ अठ वारी एम पी एम एल ए बने ने, लेकिन मां सिवाए अपने आप को ना तगड़िया करने तो अलावा कोई काम नहीं किया। इकतदार वाली पार्टियां भी लोग रहे बाख्तियार भी रहे, फैडरल मिनिस्टर भी रहे, लेकिन इस अवाम ने हासिलपुर की नाली इस धरती लोगों प्यार नहीं किया। अगर उन्होंने लोगों का जेन हों कि असी ने लोगों ने मुहब्बत करनी है, असी इन्होंने लोगों को दुआवा लैनी है, या साढ़े तो फर्ज है, या साढ़े कंधिया के बोझ है कि इन्होंने लोगों ने सानू कितनी बार जिस तरह नवाज दिया, तो यकीन करो ये दिल आज तो 10-15-20 साल पहले भी बन गया होगा। लेकिन बदबख्ती ये वे कि इस हल्के शिकारगा समझा जाता है, इतने लोग आते हैं वोट ले अपने इकतदार इंजॉय किया, 5 साल बाद फिर आ गए जनाब। अगर